हेलो गाइस। तो भाई कैसे हो आप सब लोग यार? उम्मीद करता हूँ मेरे भाई सब लोग, हमारे बंधु भाई सब लोग बढ़िया होंगे यार। बंधु भाई यहाँ बोलते हैं मेरे भाई बहुत। रवि भाई सुबह सुबह का टाइम है, अभी निकल रहा हूँ काम पे। और आज है जुमेरात, जुम्मा और शनिचर, 3 दिन भाई फूड डिलीवरी का काम ना बहुत ही जबरदस्त चलता है। अब चल रहे हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट है वहाँ पे चलते हैं। वहाँ से अभी कोई ऑर्डर आए फिर रिसीव। सुबह सुबह रात को लेट आओ तो भाई सुबह सुबह 9 बजे भी उठो ना तो धूप ऐसे ही मिलेगी खतरनाक। गर्मी अभी भी टेम्परेचर इस टाइम पे 41 का है। मैकडोनल्स इधर है, चलते हैं मैकडोनल्स के अगल बगल में, देखते हैं यहाँ से कोई ऑर्डर आए फिर उठाते हैं। तो भाई अभी एक ऑर्डर आ गया है, अभी चल के पहले अभी रेस्टोरेंट ये सामने रहा, बगल में ही रेस्टोरेंट है और यहाँ से चलते हैं अभी ऑर्डर एक उठाते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर देखे आते हैं। आज देखते हैं आज काम थोड़ा उसे सही होगा, आज तो यार डेली से अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। आज तो आ गए भाई यहाँ पे है होटल बुर्ज, नाम भी होते भाई खतरनाक खतरनाक। ही रहा सामने, अभी दिखाता हूँ आपको सामने रहा रेस्टोरेंट। अब यहाँ से चल के देखते हैं मेरे भाई कितनी देर में ऑर्डर रेडी होता है। कभी भी यहाँ तो लगभग लग ही जाएंगे मेरे भाई, कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे इस होटल में, मुझे पता है। ये भाई देखो एक ऑर्डर लेके आ रहा, भाई का रेडी था, भाई ने ले लिया, अब हम भी चलते हैं अभी देखते हैं रेडी है कि नहीं। तो भाई अपने को ऑर्डर यहाँ से मिलेगा, अभी इसने बोला है भाई, अभी उसको नंबर बताया तो बोला है अभी कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे अभी यहाँ पे। ये भाई खड़े हैं यहाँ, यहाँ से अभी ऑर्डर मिलेगा, देखता हूँ कितनी देर में देते हैं। बाकी ये सामने इधर है, इधर स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे सारे नंबर आ रहे हैं, जिसका नंबर आएगा वो पता लग जाएगा। तो ऑर्डर वाले जिसको ऑर्डर जिसका होता है उधर आता है, बाकी जो खाने पीने वाला है उसका गेट अलग है जी, और यहाँ से ऑर्डर जिसको खाना लेके जाना है उसका गेट अलग है। तभी देखते कितनी देर में मिलता है ऑर्डर। तो भाई ऑर्डर ले लिया है, मिल गया है, 20 मिनट लगा भाई ऑर्डर लेने, और इसमें बैग में डाल लिया। अब लेके चलते हैं लोकेशन पे, देखते हैं कितने किलोमीटर है। भाई अभी सुबह सुबह का टाइम है ना इसलिए रोड खाली है, अभी शाम के टाइम मेरे भाई आज बहुत जाम होगा। अभी 3-4 क्या 12 बजे के बाद से भी जाम लगना स्टार्ट हो जाएगा। तभी चल रहे 11 किलोमीटर है, ज्यादा दूर है नहीं, अभी देखे आते हैं क्योंकि अभी रोड तो खाली है। अभी देख रहे हो अभी सिग्नल, अभी सिग्नल भी अभी ग्रीन है, तो चलते हैं अभी देखे आते हैं। यार ये चाचू को ऑर्डर देना यहाँ पे, चाचू निकल रहे रेंज रोवर वाले, यहाँ पे आया था यार ऑर्डर देने के लिए। और लोकेशन मेरे भाई यहाँ बता रहा हूँ, आज दिला में फंस गया, ऐसी ऐसी लोकेशन यहाँ पे घुमा रहा था, कहीं अमीन कहीं एसआर, अब आके इनको ऑर्डर दिया मेरे भाई। सुबह सुबह के टाइम में लोग तो भाई फोन नहीं उठाते हैं, और ऊपर से यार कॉल करते रहो मेरे भाई थक जाओ कॉल कर करके। तो अभी इनको मेरे भाई ऑर्डर दे दिया है, अब चल रहा हूँ अपने अड्डे पे रेस्टोरेंट पे। ये देखो एक और डिलीवरी बॉय अपना भाई बंधु, ये देखो गाड़ी ब्लॉक कर रहा है, ये भी भाई आया था यहाँ पे डिलीवरी देने के लिए। हाय आजकल लोग भाई बिला यहाँ पे जो सऊदी में ऐसे एरिया में ना शांत स्वभाव बहुत पसंद कर रहे हैं। हाँ आजकल ना भाई ये लोग ना एकदम सिंपल सा, जहाँ पे कोई चिल्ला चिल्ली ना हो, और सिटी के चाहे जितनी दूर हो लेकिन एकदम बढ़िया। अभी ये यहाँ पे बिला है मेरे भाई, इनको बिला ये लोग बोले बिल्ला, ये बिला ऑडी गाड़ियाँ चेक करो मेरे भाई, गाड़ी तो कोई सी भी जाए जितना थका से थका घर हो यहाँ पे, लेकिन गाड़ी हाई फाई मिलेगी मेरे भाई, गाड़ी एक नंबर की सबके पास, एक से बढ़िया है एक। तो बहुत ही तगड़े तगड़े लोग हैं ना वो इन एरिया में रहते हैं भाई, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, ऐसे आ ही नहीं सकते। अब यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे बाकायदा पूरा बात कराओ, आईडी नंबर दो। अब जैसे ये भाई है ये अभी यहाँ बात करा रहा है सिक्योरिटी गार्ड से, बात कराने के बाद तब जाके एंट्री होती है। तो इन एरिया में भाई यही है, आने में यार सरदर्दी होती, फोन मिलाओ फिर ये करो आईडी दो नंबर लिखाओ तब जाके कहीं एंट्री अंदर करो। तो चलते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ यहाँ से। अब तो भाई शाम को 4 बजते ही 4 के अभी यहाँ 3:30-4 बज रहे हैं और जाम लगना स्टार्ट हो गया। मुझे पता था भाई आज जाम बहुत लगेगा क्योंकि अब स्कूल चालू हो गया ना, तभी छुट्टी थी तभी तो डेली जाम होता था, अब स्कूल चालू हो गया ना तब जितना भी है जुमेरा जुम्मा को बहुत जाम रहा करेगा मेरे भाई। तो ये रोड है डायरी रोड है और यहाँ पे भाई जाम बहुत लंबा लगा है, लोकेशन दिखा रही कम से कम 2-3 किलोमीटर आगे तक जाम लगा हुआ है। तो भाई आज तो बताता रहा हूँ, आज तो भाई दोपहर सुबह का टाइम था, जाम नहीं था, सुबह का टाइम बिल्कुल रोड खाली था, दोपहर तक रोड खाली था, अब दोपहर के बाद अब ट्रैफिक अभी लग गया। अब भाई अब देखते हैं
हाँ अभी तो यार 7 किलोमीटर है और 21 मिनट का रास्ता दिखा रहा है भाई। 7 किलोमीटर में 21 किलोमीटर, ओ 21 मिनट का रास्ता, देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं यहाँ से। भाई सेवन लेट की गाड़ी यार बहुत खतरनाक है ये। आ गया भैया लोकेशन पे, ये जो सामने घर है अपने को यहाँ पे ऑर्डर देना है। और मेरे भाई अभी पहले कस्टमर को फोन करता हूँ, फोन करके उसके बाद फिर मिलता हूँ उसको, ऑर्डर दे दूँ भाई। ये लोग प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे भी, इसको ऑर्डर दे दूँ पहले भाई। ये रहा इसका घर, ऑर्डर दे दिया यार। जाम इतना भाई अभी से जाम लगना स्टार्ट हो गया, कम से कम आधा घंटा लग गया इस 8 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, आधा घंटा लग गया। पूछ रहा कहाँ इतना टाइम लग गया, मैंने कहा सर जाम है, तो कह रहा हाँ आज तो जाम रहेगा ही भाई। जाम यार मलिक अब्दुल्ला रोड पे भाई, यहाँ पे भाई जाम पूरा लगा हुआ, पूरा अपनी चरम सीमा पे है ये। तो मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेन रोड पे भी, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जाम बहुत लगा हुआ है। जब रास्ता थोड़ा शॉर्टकट मालूम हो ना तो शॉर्टकट से भाई निकलो, ज्यादा फायदे में रहोगे। और जब रास्ता ना मालूम हो अभी लोकेशन के थ्रू अभी चलो ना तो वो तो फंसा देगा मेरे भाई। जाम यार अभी बहुत लगा हुआ है इस साइड में, इस साइड में तो पूरा लगा हुआ है। अभी देखो ऊपर पूरा खाली है, तो आज जाम ही जाम चारों तरफ भाई, जाम ही जाम है आज भाई। जाम और काम दोनों अपने चरम सीमा पे है। जैसे जैसे शाम होती जा रही वैसे भी टाइम यार हो गया है, कितना हो रहा है, 6 बजने वाले हैं यार। रास्ता भी आज ऐसा ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे ट्रैफिक कम हो। वैसे इस रोड पे रात को बहुत जाम होता है आगे जाके। ये है प्रिंस तुर्की रोड है, ये प्रिंस अव्वल तुर्की, इस पे भी अभी जाम लगेगा लेकिन अभी इस टाइम नहीं, इसमें लगेगा रात के 12 बजे के बाद। आज भाई यार जाम साला इतना लगा पड़ा है यार कि साला पैदल जाना पड़ रहा है। देख रहे हो गाड़ी उस साइड में खड़ी करके आया, लंबा जाम है आज भाई। आज बता रहा हूँ आज है जुमेरात है ना, इस चक्कर में मेरे भाई आज बता रहा हूँ आज ये जाम बहुत लंबा चलेगा, लगभग मान के चलो अरे सुबह तक रहेगा। यहाँ भी बहुत ख़तरनाक जाम होता है, बहुत ही ज़्यादा भाई इधर जाम होता है इस साइड में, क्योंकि ये रोड ऐसा है ना, इस रोड पे ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह है इसलिए इस रोड पे बहुत जाम होता है, बहुत ही बेहिसाब जाम लगा है आज भाई। भाई टाइम हो रहा है रात के 1:52, 1:52 ठीक है यार। और क्या बोलते हैं जाम का, मेरे भाई जाम का हिसाब किताब चेक करो, जाम अभी भी मतलब पूरा अपने चरम सीमा पे है। और यहाँ मैं सामने मैकडोनल्ड्स के पास खड़ा था, यहाँ से अपने को एक ऑर्डर लेना है यार, तो भाई जाम का यार आज क्या कर सकते हैं, आज सुबह जाम रहेगा, पूरे सुबह तक आज जाम रहेगा। तो भाई इस वीडियो का एंड यही करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार ज़रूर भाई लाइक करिएगा, और भाई के चैनल को भाई सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दीजिए इजाज़त भाई को, ओके बाय बाय।